उसने जब नजर पहनती है उस महारथी गुरु पूरा गया है उस वीर जीवनी कोशल का जीव के अंदर कोई ताकत नहीं थी अपने सदगुरु को भी वो सदगुरु ही ऐसा डायरेक्टर है ऐसा जमेक्टर है कि वो ऐसे आयु पर ऐसी लड़कियां जोड़ता है सबक और स्वभाव है कि जीव वो अपने सामने लिया इस सब को कमाया है इस जीव मेरे करता हुआ दसना और ये भी दसना है कि तू किस तरीके ना गुरु तेरा शरीर लेके और परम ताकत आई है वो शरीर जरा है जिसको सतगुरु कहते हैं अंदर वो बेहद शक्ति का मालक है वो कभी नहीं कहेगा कि मैं बोला तो कहेगा मैं तो तेरे वर्ग का बंदा लेकिन अंदर अपने अंदर ये देह है दिया है तो खींच मांगकर आप अंदर चुंबन की तरह अंदर अपने हाथ जब दुनिया जल्दी से उस राह हो जाते हैं कि ये तो बंदा मार है इतना पैना इतना कठोर आदमी लेकिन
इस तरीके के नाल दीन जेड़ा है बच्चे को सिखाओ ना कि तू नीवा हो उसका मतलब है कि मानसिक तौर पर भी नीवा हो ये नहीं किसी ने भी स्वरूप मानी नीवा हो मानसिक तौर ये तेरे अजीब मानसिक तौर पर नीवे नहीं है वो नहीं देते कम गुरु जी तेरी कृपा है करमी परापत किसे होए जिसनु होए ध्यान की दया हमके सतपति सकुंद दर्शन होता है वो मेरे दीन है बिना तो ते दया खास होती है आम होनी होती है वो जीव पीछे ही संस्कारी जीव है वो ऐसे पेड़ से कटका काम होंगे जिससे पहले ही भजन बनती होती होगी साधु संत का समागम होता है या उन्होंने सेवा होती होगी वो ना वो मालिक ऐसा सेना है वो चट्टी दे रही है ऐसे ही कर्म में जन्म देगी जितने संत का आ जाना हो जितने माँ बाप संत का दे सेवक हो और देखो देखो अगर जिस बैठी इसके अंदर परमार्थ का छाप जाग गया अपने माँ बाप इन्होंने बच्चे उत्ते जाग गया इन्होंने माँ बाप और जीव जो ने वो आए इन्होंने करने क्योंकि इन्होंने ही परमार्थ को माना संस्कार अपने आप खड़े हुए लेकिन एक हो भी गल जिसने कर तीन बच्चे ने चार बच्चे ने बाकी दुनियादार ने एक खास होगा जो ताकि सतगुरु वाले पास लिखा उसके संस्कार कर्म सो गुरु ने जो दर्शन होने ने उसकी दया उसकी दया है जंगल जाके दया की ना तो सामान अगे रख देता है बच्चे ने भूख लगी है मां रोटी खा के अगे रख देती है इस तरह ही मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी हमेशा कि मैं राम याद करती हूँ इस तरह याद करना मुझे पता नहीं केड़ा मेरा प्यार से उसे नाम केड़े जन्म का मैं रोना वनवास के रूप में जिसमें दर्शन होते हैं राम सीता और लक्ष्मण और ऐस पास जिसे बच्चे सोने का कलश और मैं जिसे वो पीता मैंने ऐसी ठंड पाई अंदर जिन्हें तुम धुप्पो आके बंदा बड़ा व्याकुल होने वाले थे ठंडा पानी भी एक्चुअली दिस इज नॉट ए ड्रीम ओ मैं जब अखन मेरी खुलियां से मैं बिल्कुल ओ मैं महसूस हो रहा सी मैं इतनी शांति चाहे वो मेरे गुरु का ही पाना सी चाहे वो मेरे गुरु की ही लीला सी गुरु महाराज जी एक सड़क छंड के किसी भी कोठी के ऊपर बैठे क्योंकि मैनू ही लैनो आए से मैं उसी को दिन के अंदर अंदर मेरे फादर की चिट्ठी आ गई को तो कि कुछ मैं आपकी कोठी चलो या यानी असी नाना नानी को तो किसी उससे मेरे बीजी जान लग पे पता लगा भी किसी और उसके साथ साथ होते हैं नारे के दूर फिर मेरे सिस्टर जान लग पे मैं अपना बड़ी जान ऊपर कोठी के पैर लेके बड़ी जान एक दिन जिने कोठी दी जैसी ना वैसे वो नारे कह रहा है रमेश आदम असी अपने गुरु जी दिखाई